कहते हैं भारत की भौगोलिक सुंदरता किसी भी जगह से कम नहीं है। हो सकता है हमारा देश यूरोपीय देशों से विकास की रेस में कुछ पीछे हो, लेकिन प्रगति ने इसे जो नवाजा है उसके लिए पूरा विश्व भी तरसता है। हमारे देश में सभी मौसम और उसके अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ राजस्थान की गर्मी है तो शिमला मनाली की ठंडक, हिमालय की ऊंचाई है तो गोवा का आजाद बीच भी, कश्मीर की खूबसूरत वादियां भी हैं और प्रकृति की गोद में बसा केरल भी। आज हम आपको लिए चलते हैं केरल, जहां से हमारे संवाददाता भारत राठौर की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जानेंगे यहां की खूबसूरती भी और खासियत भी। केरल हमारे भारत का एक अच्छा पर्यटक स्थल है। केरल की बात करें हम तो केरल का मुन्नार जो कि एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी पर है और रास्ते में बड़े बड़े झरने हैं। साथ ही यहाँ चाय पत्ती की बगान और कई प्रकार की अलग अलग प्रजाति की यहाँ पर चाय पत्ती की खेती भी होती है। साथ ही यहाँ पर मसाले की पैदावार भी होती है, जैसे कि हरी इलायची, दालचीनी, तेजपान, जायफल, जावित्री, काली मिर्च आदि सभी प्रकार के मसाले की यहाँ पर पैदावार होती है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर श्रीफल यानी नारियल के पेड़ हैं। यहाँ का श्रीफल पूरे भारत में फेमस है एवं यहाँ से सप्लाई भी होता है। मुन्नार के बाद हम आपको लेकर चलते हैं केरल के पूनम में, जो कि एक समुद्र का किनारा है। यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा दृश्य है। यहाँ बोट हाउस बने हुए हैं, बाहर से आने वाले टूरिस्ट इस बोट हाउस में सफर करते हैं। बोट में सभी प्रकार की सुविधा है, अंदर डाइनिंग रूम, बेडरूम और किचन भी है। टूरिस्ट का खाना बोट के अंदर ही बनता है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में, जहां पर स्वामी पद्मासन स्वामी जी का बहुत ही बड़ा एक मंदिर है, जहां पर कुछ सालों पहले मंदिर में बहुत सारा सोना निकला था। इसके बाद हम रुक करेंगे कोल्लम की ओर। यहाँ समुद्र किनारे बहुत ही अच्छा एक ब्रिज बना है, यह दृश्य काफी सुंदर है। यहाँ बोट से जंगल सफारी कराई जाती है, यह जंगल के रास्ते से गुजरती है। कई प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट, मगरमच्छ, मछलियाँ, अजगर एवं कई जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि एनाकोंडा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर ही की गई थी। अब हम चलते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जो कि यहाँ से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर है। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में एक चट्टान पर स्वामी विवेकानंद का स्टैचू एवं टेंपल है। यहीं पर समुद्री किनारे माता पार्वती का मंदिर और मंदिर के पीछे की साइट तीन समुद्र को मिलन जैसे कहते हैं, त्रिवेणी संगम, और यहाँ से फिर रामेश्वर जो कि हिंदू धर्म का एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये वही जगह है जहाँ से लंका जाने के लिए श्री राम सेतु बनाया गया था, और आज भी वो पत्थर यहाँ पर है जो राम जी की सेना द्वारा राम लिखकर समुन्द्र में डाले गए थे, जो पानी में नहीं डूबते। हाउस बोट में यहाँ के हाउस बोट के जो पायलट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे यहाँ की पूरी डिटेल्स, वो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हमें उपलब्ध करा। हाउस बोट में आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं? लंच, डिनर, इधर से आए ना, वेलकम ड्रिंक है, उसके बाद लंच है, देन इवनिंग टी स्नैक्स है, देन डिनर का डिनर है, उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद 9 o'clock चेकआउट है। यहाँ पर कहाँ कहाँ से टूरिस्ट आते हैं आपके? इंडिया से सभी लोग इधर ही आते हैं, क्योंकि बड़ा बैकवर्ड है, पहले भी बिलो सी लेवल है, राइस प्लांटर्स ने अच्छा जगह है। ट्रेवलर कर रहे हैं, कल हम शाम 4 बजे से साउथ बोट में पूरे नाइट हमने सफर किया है बोट में, और अभी सुबह 9 बजे हम उतरेंगे। और हमारे साथ झाबुआ से मयंक जी राठौड़ है, वो बताएंगे पूरे टूर में उनको कितना मजा आया, कैसा लगा। केरल का हमारा 7 दिन का टूर है, हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने फर्स्ट डे मुन्नार करा, सेकेंड डे पे मैं मुन्नार रहा, यहाँ पर बहुत ही अच्छे पार्क है, बहुत ही अच्छी मतलब सीनरीज है। आज ही का हमारा ये तीसरा दिन, हम लोग यहाँ पर हाउस बोट है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब सीनरीज है, बहुत ही अच्छा मतलब देखने का है, यहाँ पर बोट मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हाउस बोट में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या रुकने के लिए रूम?
बेडरूम है यहाँ पर, लेट बाथ है, फिर यहाँ पर डिनर के लिए बेंच है, सोफे है, टेबल है, बालकनी सब कुछ है यहाँ पर। खबर 100 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आज हम केरल में आए हैं, केरल के मनोर में, जहाँ पर एक चॉकलेट फैक्ट्री में अभी हम मौजूद है, और छोटी एक चॉकलेट की फैक्ट्री है, और ये किस प्रकार बनाई जाती है हम इनसे चर्चा। ये कोकम फ्रूट है, अगर हम गाढ़ा जब देखेगा तो आपको देखेगा, ये जब काटेगा तो सीड निकलेगा, सीड के बाद व्हाइट कोको बटर वगैरह जो शिया बटर जो बीटिंग पड़े उससे सीड निकाल के सुखाएगा तो छोटा मशीन उसमें डाल के मेल्ट करेगा, मेल्ट होने के बाद अलग अलग मोल्ड में डाल के शेप करेगा, शेप करके फ्रिज में रखा 10-15 मिनट में चॉकलेट सेट निकाल के यहाँ रख दिया। अरब से आते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात से, राजस्थान, हर जगह नौकरी तो आज से नहीं ना सर, काफी सालों से बंद करो। मैं आपको बताने जा रहे हैं काली मिर्च का लेप, काली मिर्च का लेप। ये काली मिर्च वो बेल है, अभी इसको निकाला, जैसे आपको खिलाया खा के देखो, ये अभी एक महीना पुराना है, एक ही महीना पूरा है, अभी ये 4 महीने यानी टोटल 5 महीने में पक जाएगा रेड कलर। ये जब रेड कलर होगा निकल के 10-12 दिन धूप में सुखा के ले लियो काली मिर्च, 24 घंटा एक ही टाइम में कवर जिम होगा व्हाइट पेपर, ग्रीन व्हाइट ब्लैक एक ही प्रोसेस डिफरेंट होता है। अभी पेपर एक नहीं 50 पीस खाओ, जुबान से गर्दन तक जलेगी, पेट में गैस ऐसे नहीं होगा, आपने खाया प्योरिटी क्या है, एक महीना पुराना तो भी कुछ नहीं होता। अभी पेपर होता है श्रीलंका, वियतनाम, पूर्व, सैकड़ी, हर जगह। सर आपके इसका गार्डन में दालचीनी और तेजपान पत्ता, हाँ ये देखिए, ये दालचीनी का पेड़ है, ये छिलका है, ये दालचीनी, दालचीनी है क्या जरा देख लो, तेजपान, तेजपान, ये जो तेरा पत्ता आपके सामने ये पत्ता ये निकाला, इसका भी स्मेल देख लो आइडिया आ जाएगा है कि नहीं है, तेजपान है ना, दालचीनी और तेजपान एक ही पेड़ से बनेगा। इसका दूसरा प्रजाति जो कोंकण में पाया जाता है बिल्कुल छोटे पौधे, इसका छिलका काम नहीं है,